देखिए वैसे तो लॉकडाउन है, कोई किसी से मिलने जा नहीं रहा, लेकिन कोई है जो आ गया है हमारी एकता कपूर की लाइफ में, यानी कि सोप क्वीन एकता कपूर की लाइफ में। जी हाँ, आखिरकार कौन है एकता की नए राधे, आइए दिखाते हैं। एकता का नन्ना सा रवि अब तेरे नाम का राधे बन चुका है, और ये हम नहीं खुद एकता बोल रही हैं। राधे राधे राधे, अपने रवि को उन्होंने अब तेरे नाम के राधे का नाम दे दिया है। राधे राधे, दरअसल एकता कब से रवि का मुंडन करवाना चाहती है, पर पहले उन्हें मुहूर्त नहीं मिला और अब लॉकडाउन ने उनको रोक के रखा है। सोचा तो तुम्हारे बाल काट दूं, फिर मक्की रेट्रोगेड आया, फिर सोचा काट दूं, फिर लॉकडाउन आया, अब बीबी ने रेट्रोगेड आ रहा है, ये लगता है बाल ही नहीं कटेंगे। बीबी 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 क्यूटी, किसके बाल ऐसे ऐसे लग रहा है कि उसे मेरे को एक फ्रेंड लूप ने पूछा तुम्हारी बेटी कैसी है। हमारे बेटी बोलो अभी रवि, ये हमारे बेटी, ये बेटा भी है, वी आर जेंडर फ्लूइड, है ना, कटेंगे भी बाल। वैसे एकता के इस वीडियो को देखकर ये तो पता चल गया कि वो वर्क फ्रॉम होम के रूल को फॉलो करते हुए रवि और लक्ष्य के साथ वक्त बिता रही हैं। ओह माय गॉड, गिव इट टू मी, ओह स्वीट, थैंक यू लकू, यू गिव मी अ फ्लावर लकू। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। लकू, आई हैव टू से वन थिंग, यू आर वेरी हैंडसम लकू, व्हाई आर यू सो हैंडसम बेबी, ए स्माइल, ए लकू, ए लकू। लॉकडाउन है लेकिन साथ ही साथ रमजान का महीना भी चल रहा है, बहुत सारे लोगों ने रोजे रखे हैं, कुछ लोग इफ्तारी भी कर रहे हैं, सब कुछ लेकिन अपने अपने घर पे। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे टेलीविजन के कुछ सितारे रमजान का महीना अपने तरीके से मना रहे हैं। लॉकडाउन में रमजान का महीना है तो टीवी के सितारे भी अपने घर पर रहकर ही इबादत कर रहे हैं और अपने घर वालों के साथ ही अपना रोजा खोलकर इफ्तार के लजीज खानों का लुत्फ उठा रहे हैं। वेलकम टू शहजाद शेख अहमदाबाद रेजिडेंस, और हम क्वारंटीन और रमजान किस तरह बिता रहे हैं आपको एक छोटी सी झलक दे देते हैं। शहजाद अहमदाबाद में अपने घर वालों के साथ है, तो वहीं शहरीश मुंबई में अपने परिवार के साथ और सलीम अपने गांव में अपने परिवार के साथ रमजान को एंजॉय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाय, मैं हूँ शहरीश अली, आपकी लक्ष्मी बहु, गुड दिन, तुमसे ना हो पाएगा से, इससे बेहतरीन रमजान और क्या होंगे जब मेरी फैमिली मेरे साथ है। पहचाना, इधर आइए, प्यार से सब तिल्लू कहते हैं, नाम है सलीम जैदी। जैसा कि आप जानते हैं कि भैया रमजान का महीना चल रहा है, बरकतों का महीना, और इस टाइम जो है भैया मैं चाट बना रही हूँ, इफ्तार में बहुत बढ़िया चाट बने हैं। ये देखो, तरबूज काट लिया है मैंने, सेब कट रही है, आप केलों की बारी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस टाइम मैं मुंबई में नहीं हूँ, इस टाइम मैं अपने पुश्तैनी घर यानी कि जो मेरे बाप दादा का घर है, मैं वहाँ पर मौजूद हूँ, यानी कि रामपुर शहर में हूँ। घर में रहकर भी कैसे इबादत की जाती है और कैसे खुशियों को अपनाया जाता है लजीज खानों के साथ, ये एक्टर्स आपको बता रहे हैं। तो आप भी ध्यान रखिए और सिर्फ जरूरी चीजों के लिए ही घर से बाहर निकलिए। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी रमजान, रमजान मुबारक, और क्वारंटीन में आप लोग सब घर पे रहिए, स्टे होम स्टे सेफ। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ नेहा सावंत की रिपोर्ट। वे
वैसे अगर आपको बायोग्राफी पढ़ना पसंद है, जैसे कि मुझे, और हम काफ़ी लोगों की बायोग्राफी खरीदते हैं और पढ़ते हैं, उनके जीवन के बारे में कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता लगती है, इंस्पायरिंग होती है, उनके स्ट्रगल के बारे में बताती है, और फिर हमें लगता है यार हम ऐसे ही क्रिप करते थे। जी हाँ, ऐसी ही कहानी है गुरमीत चौधरी की। कितनी ग्लैमरस ज़िंदगी है ना उनकी, ऐसा लगता है हर चीज़ परफेक्ट है, लेकिन इस लेवल पर आने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी उनको। आइए जानिए उन्हीं की ज़ुबानी उनकी ज़िंदगी की कहानी। गुरमीत चौधरी, वो नाम जिसे किसी पहचान की अब कोई ज़रूरत नहीं है, पर एक वक्त ऐसा भी था जब एक्टर बनने के सपने को पूरा करने के लिए गुरमीत ने मॉडलिंग से शुरुआत की और मुंबई आकर शुरू हुआ उनका असली इम्तिहान। केवल 36 रुपए में पूरा दिन निकालना पड़ता था और दोपहर के खाने में होते थे चंद बिस्किट्स। आज सास बहू और साजिश में गुरमीत बताएंगे अपनी पूरी कहानी कि बचपन में वो कैसे थे, कैसे शुरू हुआ उनका सफर और कैसे मिला उन्हें ये मुकाम। तो आज मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में आप सबको बताना चाहता हूँ। तो शुरुआत करते हैं कि बचपन में मैं कैसा था, शांत या बदमाश। तो एक्चुअली मैं कहूँगा मैं दोनों था, क्योंकि बदमाश तो एक्चुअली मैं बहुत ही ज़्यादा था। और मेरे डैड क्योंकि फ़ौज में थे, आर्मी में थे, और हम आर्मी कैंट में रहते थे, तो एक तो उनसे बहुत डर लगता था मेरे डैड से, और ऊपर से बदमाशी भी मुझे करनी थी, तो मैं बहुत बदमाशी करता था। और घर जैसे ही आता था तो मम्मी से रहा नहीं जाता था, क्योंकि इतनी बदमाशी मैंने की है, कहीं ना कहीं बोल देती थी, और जैसे बोलती थी तो मैं इतना शांत हो जाता था, इतना भोला बन जाता था कि डैड को लगता था यार इसने तो बदमाशी की नहीं होगी। इसीलिए मैं शांत और बदमाश दोनों था। छोटे पर्दे पर राम के किरदार से पहचान पाने वाले गुरमीत का सफर दरअसल सोनी टीवी के शो ये मेरी लाइफ है में एक छोटे से कैमियो रोल से शुरू हुआ था। और गुरमीत को छोटे पर्दे पर आने का सुझाव किसी और ने नहीं बल्कि यश चोपड़ा ने दिया था। लकली मुझे नंबर मिल गया यश चोपड़ा का, और वो बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे, और आज तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जब मैंने उनको उनका नंबर मुझे मिला तो मैंने उनको कॉल लगा दिया डायरेक्टली, और वो इतने स्वीट थे, उन्होंने मेरा फ़ोन अटेंड किया, और मैंने कहा उनसे कि मुझे मिलना है, और उन्होंने मुझे बुलाया, और मैं उनसे पहली बार यश राज में यश चोपड़ा के सामने उनके सामने मैं बैठा हुआ था। और मैंने कुछ भी नहीं किया था, मैं एकदम नया लड़का था, आई गेस आई वॉज 19 साल का था, और 18-19 साल का मैं रहा हूँगा। और उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि गुरमीत अगर तुम्हें सुपरस्टार बनना है, तुम्हें लोगों की नज़रों में आना है, फिल्में करनी है, तो उसका ज़रिया ये है कि अगर आप क्यों ना टीवी करो, कि आप देखोगे तो शाहरुख खान जो मेरे फेवरेट हैं वो भी टीवी करके वो टीवी में सुपरस्टार बने, और फिर जाके फिल्मों में उनको चांस मिला, वो फिल्मों के सुपरस्टार बने। तो टीवी करो, और इतने दिल से, इतने मन से करो, इतनी मेहनत करो कि टीवी के सुपरस्टार बन जाओ, और वहाँ से आपको प्रोड्यूसर और डायरेक्टर आपको फिल्मों में ले लें। और फिर मेरी शुरुआत हुई टीवी की, और रामायण, गीत, पुनर्विवाह, झलक दिखला जा जीता, नच बलिए किया, खतरों के खिलाड़ी किया, और मैंने इतनी मेहनत की सिर्फ ये चीज़ सोच के कि लोगों की नज़रों में मैं आ जाऊं, और टीवी का सुपरस्टार मैं बना भी, लोगों ने मुझे बहुत बहुत प्यार दिया। और जो यश जी ने मुझे कहा था कि फिल्म या प्रोड्यूसर, फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं या डायरेक्टर आपको देख लेंगे टीवी में, और वो आपको हो सकता है कि फिल्मों में आपको बुला ले, और एग्जैक्टली वही हुआ। और महेश भट्ट ने, मुकेश भट्ट ने, उन्होंने मुझे देखा टीवी में, और उन्होंने मुझे पहला ब्रेक दिया खामोशियाँ,
और वहाँ से मेरी शुरुआत हो गई फिल्मों की। जो मेरा जो बड़ा सा सपना था बचपन से, वो जाके पूरा हो गया और आज मैं अपने सपनों को जी रहा हूँ। उतनी ही मेहनत, उतना ही लगन है, उतना ही जोश है। आज भी मुझे लगता है कि मैं नया हूँ, मैं इस इंडस्ट्री में नया हूँ, मुझे बहुत कुछ करना है। मेरी एक्टिंग दौर की शुरुआत कैसी हुई और जो कठिनाइयाँ, वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि आप हमेशा कुछ ना कुछ ज़िंदगी में सीखते हो अपनी कठिनाइयों से, अपने फेलियर से, और मैंने यही किया। जब मैं मुंबई आया तो इतने पैसे नहीं थे, क्योंकि डैड फौज में थे, एक कुछ ही हेल्प कर सकते थे। उन्होंने जितना हो सका उन्होंने मुझे बहुत मदद की, लेकिन मुंबई में सर्वाइव करने के लिए आपको बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं। और क्योंकि एक्टर बनना था, हीरो बनना था, तो अच्छे कपड़े पहनना है, जिम जाना है, बहुत सारी चीज़ें होती है, अच्छा डाइट फॉलो करना है, उसके लिए खर्चा होता था। तो कठिनाइयाँ बहुत थी। कुछ दोस्त यहाँ पे मुझे मुंबई में मिले, जैसे संदीप थे, संदीप कॉल था, अमन था, राजवीर, इन लोगों ने मेरी बहुत मदद की फाइनेंशियली। और एक अच्छे दोस्त मिले, उन्होंने अपने साथ में मुझे घर पे रखा। और मुझे याद है कि आज भी कि जब जब फोटोज जब मुझे मिल गए थे अपने पोर्टफोलियो, और उसको लेके मुझे हर किसी प्रोडक्शन हाउस में जाना था, तो ट्रेन से ट्रैवल करना होता था, बस से ट्रैवल करना होता था, और मेरे पास पूरे दिन में एक लिमिट था कि मुझे कुछ 36 या 38 रुपीज़ होते थे जिस पे मुझे पूरा दिन चलाना होता था। और एक टाइम का खाना तो हो जाता था, और उसमें ट्रेन का खर्चा, ट्रेन मुझे याद है कि 6 रुपये तब होते थे कुलाबा से अंधेरी, क्योंकि अंधेरी में इंडस्ट्री है, 6 रुपये, और 6 रुपये रिटर्न होता था। फिर बस पकड़ के मैं जाता था, अंधेरी पहुंचता था, स्टेशन से उसमें कुछ रुपये निकल जाते थे, और मुझे वापस भी आना था। तो उस इतने से रुपये में मुझे पूरा दिन निकालना होता था। और जब ब्रेकफास्ट तो खा लेता था घर से, लेकिन जब लंच की बारी आती थी तो लंच के लिए अब ज़्यादा पैसा होते नहीं थे, यार कैसे लंच खाऊं, तो बिस्किट होता था, वो बिस्किट खा लेता था। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे कभी तकलीफ़ नहीं हुई। अगर आप सोचते होंगे कि यार कितनी तकलीफ़ होती है, बिस्किट खाना होता था, या फिर इतनी रुपये में ही दिन चलाना होता था, तो मैं आपको कह दूँ कि मैंने हर एक मोमेंट इन्जॉय किया। मुझे कभी नहीं लगा, क्योंकि मेरा जो सपना इतना बड़ा था, उस सपने के सामने ये सारी छोटी छोटी कठिनाइयाँ थी, कुछ भी नहीं थी। एक फ़ाइटर की तरह मैं लड़ता रहा और आगे बढ़ता रहा, और ये मेरी शुरुआत थी। और उसी जज्बे के साथ जब मैं प्रोडक्शन हाउस में जाता था, तो मुझे रिस्पांस बहुत अच्छे मिलने लगे, और जब मेरे फ़ोटोज़ देखे, जब मेरे ऑडिशन लेते थे, तो मैं बहुत दिल से बहुत मेहनत करता था, और मुझे लगता था कि ये एक तरीका है जहाँ पे अपनी मेहनत अपने प्रोड्यूसर को दिखाना है, अपने डायरेक्टर को, मुझे किसी तरह वो अपने शोज़ में ले ले, अपने फिल्म में ले ले, अपने टीवी शोज़ में ले ले। और इसी जज्बे के साथ मैं लगा रहा मुंबई में, और तकलीफ़ें हुई, बहुत हुई, लेकिन जेन्युइनली आपको बताऊं, मुझे उस तकलीफ़ को आज मैं सोचता हूं, या तभी जब मैं सोचता था, मुझे कभी फील नहीं हुआ। मुझे लगता था यार ये तो हो ही सकता है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं उसको इन्जॉय करता था। जो भी प्रॉब्लम्स आती थी उसको मैं इन्जॉय करता था, उससे मैं बहुत कुछ सीखता था। राम का किरदार मिलने की कहानी भी अपने आप में दिलचस्प है, जहाँ राम के रूप में गुरमीत खुद को सोच भी नहीं पा रहे थे। रामायण में मुझे राम का किरदार कैसे मिला? एक छोटी सी कहानी है, बहुत ही क्यूट सी कहानी है। मैं एक शो कर रहा था, एक शो साउथ में कर रहा था, तमिल में, जहाँ पे देबिना हीरोइन थी, मैं विलन था, और जो हीरो था वो भी हमारा दोस्त था। तो जो हीरो था वेंकटेश, वो साउथ में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं मेरे। तो वेंकटेश ने एक शोरील बनाई थी उनकी, और वो रामानंद सागर, जो जिन्होंने रामायण बनाया, आनंद सागर, उनके पास गए थे अपना शोरील दिखाने के लिए। जब वो शोरील देख रहे थे, तो उसमें मेरा एक छोटा सा क्लिप था, मेरे साउथ के शो का, जहाँ पे मैं वॉक करके आ रहा हूँ, बहुत ही छोटा सा शोरील में एक छोटा सा क्लिप था। और उन्होंने मुझे देखा, और पता नहीं, मैं तो तब अच्छा खासा दाढ़ी में था, कर्ली हेयर थे, लंबे बाल थे, मैं बिल्कुल राम नहीं लग रहा था, मैं रावण ज़रूर लग रहा था। तो उन्होंने वेंकटेश को बोला कि यार ये लड़के का नंबर दो, इससे एक बार मिलना है।
तो वेंकटेश बहुत ही स्वीट है, बहुत ही अच्छा लड़का है। उसने तुरंत मेरा नंबर दिया और उन्होंने मुझे बुलाया, रामानंद सागर ने। और जब मुझे बुलाया तो उन्होंने कहा कि हम आपका लुक टेस्ट लेना चाहते हैं और राम के लिए। तो मुझे लगा कि यार मैं तो दाढ़ी लंबे बाल, मैं कभी भी तब एक्टिंग, मुझे लगता था कि क्लीन शेव में मैं बहुत ही बच्चा लगता हूँ। तो पता नहीं मैं जब दाढ़ी हटाऊँगा तो मैं बहुत ही छोटा लगूँगा। तो उन्होंने कहा कि आनंद सागर ने कहा कि नहीं, क्लीन शेव में आओ और थोड़े छोटे बाल करो और एक लुक टेस्ट लेते हैं। एंड जब लुक टेस्ट लिया उसमें मैं पास हो गया। उसके बाद हमने एक मॉक शूट किया। तब तक मैं थोड़ा घबराया हुआ था क्योंकि मुझे आई वॉज नॉट श्योर कि मैं पता नहीं रामायण कैसे करूँगा, क्योंकि इतने बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिलने वाली थी और मैं राम लगूँगा कि नहीं लगूँगा, क्योंकि कभी मैंने इस रूप में अपने आप को नहीं देखा था। जब मैंने मॉक शूट किया, हमने बड़ौदा में मॉक शूट किया, और जब एडिट होकर मॉक शूट जब मैंने अपने आप को देखा, तो जेन्युइनली बताऊँ मैं अपने आप की तारीफ कभी नहीं करता, लेकिन उस वक्त जब मैंने अपना मॉक शूट देखा, जब शूट के एडिट जब होने के बाद, तो मुझे लगा कि यार मैं एक्चुअली राम लग रहा हूँ। उस किरदार के बहुत ही करीब मैं लग रहा था और बहुत ही कम एज में मैं राम का किरदार करने जा रहा था। तो आई थिंक ये एक छोटी सी कहानी है मुझे रामायण तक पहुँचने की, और रामायण के बाद मुझे कभी पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी और भगवान श्री राम का आशीर्वाद मेरे पे हमेशा बना रहा। राम सीता की इस जोड़ी को दर्शकों ने बहुत पसंद किया, पर आज एक और राज खुलने वाला है। दरअसल रामायण में राम सीता का किरदार निभाने से पहले ही गुरमीत और देबिना सबकी नजरों से छुपकर शादी के बंधन में बंध चुके थे। गुरमीत की बैकबोन देबिना हर कदम पर उनके साथ चलती हैं। मेरे लव लाइफ का सफ़र तो आज मैं खुलासा करने वाला हूँ। इनफैक्ट सबको तो बहुत लोगों को पता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को बता दूँ, मैं और देबिना रामायण से पहले हम लोगों ने छुपकी शादी कर ली थी। यस, तो एक्चुअली जब हमें रामायण मिला, हम लोग शादीशुदा थे और हमने छुपकी शादी की थी। सिर्फ मुझे और देबिना को और एक या दो दोस्त थे, सिर्फ उनको पता था। तो क्या हुआ, इसकी कहानी एक छोटी सी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं कर कुछ नहीं रहा था, मैं एकदम नया मुंबई में था और हम दोनों बहुत ही यंग थे। देबिना साउथ में फिल्में कर रही थी और मैं कुछ भी नहीं कर रहा था। मैं यहाँ पे प्रोड्यूसर के हाउस प्रोडक्शन हाउस में जा रहा था, डायरेक्टर से मैं मिल रहा था। तो हम दोनों के बीच में बहुत ही प्यार था और मुझे मालूम था कि मुझे देबिना से ही शादी करनी है, और देबिना को भी मालूम था कि गुरमीत ही अच्छा लड़का है जिससे शादी करनी है। लेकिन शादी करने से पहले एक तो हम बहुत ही छोटे थे, और प्लस शादी के लिए पैसा चाहिए, घर वालों को क्या बोलेंगे कि यार गुरमीत के पास पैसे ही नहीं है, शादी क्यों करें। तो हमने एक छुपे अपने लिए एक प्रॉमिस रखी एक दूसरे के लिए कि हम लोग छुप के शादी करते हैं। और जिस दिन मैंने कहा कि जिस दिन मैं बड़ा हो गया, जिस दिन मैं अच्छा नाम कमा लूँगा, उस दिन दुनिया के सामने एक इज्जत से हम लोग शादी करेंगे और अनाउंसमेंट करेंगे। और हमने मंदिर में जाके यहाँ पे अंधेरी में एक मंदिर मैंने ढूंढा और वहाँ पे मैं और देबिना ने शादी की। उसकी फ़ोटोज़ आप लोग अभी देख पाओगे और आप अभी देख सकते हो कि हम दोनों बहुत ही यंग है और हमने शादी कर ली। घर वालों को कुछ पता नहीं, हमारे साथ दो तीन दोस्त थे बस। शादी के बाद हम बस सब भूल गए और हम दोनों सिर्फ काम को लेकर बहुत फोकस हो गए। और लकली हमें रामायण मिला। रामायण के बाद आप सभी के सामने हम आ गए, हमें रातों रात हम स्टार बन गए, हमें रातों रात लोगों ने इतना प्यार दिया। उसके बाद पति पत्नी और वो एक शो आया, और जहाँ पे भी मुझे और देबिना को बहुत ही प्यार मिला। उस वक्त मुझे लगा, क्योंकि रामायण से फेम मिल चुका था, कुछ पैसे कमा लिए थे, खुद का घर ले लिया था, तो मुझे लगा कि यार देबिना ने इतना सपोर्ट किया, क्योंकि एक लड़की के लिए एक लड़के से शादी करना जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो ट्रस्ट रखना बहुत बड़ी बात है। और वैसे ही मैंने किया, मैंने पति पत्नी और वो में शो में सारी दुनिया के सामने देबिना से के साथ साथ इंगेजमेंट की और सारी दुनिया को बताया कि मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ।
तो ये हमारी शुरुआत थी प्यार की। और उसके बाद 2011 में ऑफिशियली हमने शादी की सबके सामने, और उसके बाद हमने अपने घर वालों को बताया कि हमने छुप के शादी तब की थी, और उसके बाद हमने आप सबको बताया कि हमने छुप के शादी की थी। पर अब बात करेंगे उस किरदार की जिसने राम की छवि को छोड़कर टेलीविजन पर एक नया ट्रेंड शुरू किया। हम बात कर रहे हैं सीरियल गीत के मान सिंह खुराना की। और गीत एक ऐसा शो था जहाँ पे मुझे प्रूफ करना था कि मैं डिफरेंट कैरेक्टर्स भी प्ले कर सकता हूँ, क्योंकि रामायण में राम का किरदार इतना लोगों को पसंद आया कि लोगों ने, मुझे याद है कि लोगों ने अपने घर में मंदिर में राम के की फ़ोटो की जगह मेरी फ़ोटो रखी रहती थी और मेरी पूजा होती थी। तो आई गेस ये बहुत ही बड़ी बात है, मैं बहुत ही दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी एज एन एक्टर बहुत ज़रूरी है कि आप डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करें, और गीत एक ऐसा शो था जहाँ पे मुझे अपने आप को प्रूफ करना था कि मैं एक एक्टर हूँ और मैं अलग अलग कैरेक्टर्स उतने ही अच्छे से कर सकता हूँ। और बहुत ही मुश्किल के बाद मुझे गीत मिला, और गीत गुल ने प्रोड्यूस किया था, और गुल को लेकिन पूरा भरोसा था कि गुरमीत ही मानसिंह खुराना बनेगा। और जब मुझे मौका मिला तो मैंने दिल से मेहनत की गीत में, और मुझे याद है कि हम लोग रात दिन शूट करते थे रात दिन। तो मुझे पता नहीं था कि गीत कितना पॉपुलर हुआ है, क्योंकि आप सुबह जाते हो और रात को वहाँ पे पैकअप करते हो, वापस घर आते हो, फिर नेक्स्ट डे वापस आप शूट के लिए चले जाते हो। तो एक दिन मुझे ब्रेक मिला था कुछ 2-3 महीने के बाद, और मैं अपनी फैमिली के साथ डिनर पे गया, और मुझे याद है जब मैं गाड़ी से बाहर निकला तो इतने सारी वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ थी कॉलेज की, और वो सब लड़कियाँ भाग के चिल्ला के मान मान करते हुए आ गई गाड़ी में। तो पहले तो मुझे लगा कि शायद कोई पीछे कोई स्टार होगा, उसको देखा होगा, लेकिन जब वो मेरे सामने आ गए तो मुझे यकीन हुआ कि गीत कितना शो पॉपुलर हो गया था और मानसिंह खुराना कितना पॉपुलर हो गए थे गीत शो में। एक और अच्छी चीज़ हुई थी कि गीत से पहले सब लोग क्लीन शेव में हीरो रहते थे। जितनी भी आप टीवी शोज देखोगे सब लोग क्लीन शेव होते थे हीरो, लेकिन गीत एक ऐसा शो था जहाँ पे मैं स्टबल के साथ आया था, दाढ़ी के साथ आया था। सो एक इंसिडेंट गीत के टाइम पे ये भी हुआ था कि मैं पिक्चर हॉल में था और वहाँ पे एक लड़का भाग के आया और एकदम मेरे जैसा लग रहा था, और उसने मेरा स्टाइल रखा हुआ था और मेरे पास आया, तो समझ आ गया था कि वो मेरा फैन है। गीत के बाद शुरू हुआ गुरमीत की कामयाबियों का सफर, जहां पुनर्विवाह के साथ उन्होंने कई रियलिटी शोज में हिस्सा लिया। झलक दिखला जा और झलक दिखला जा, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा एक सपना था कि मैं एक डांस रियलिटी शो करूं और जीतूं, और झलक दिखला जा उनमें से एक था। और मेरे दिमाग में हमेशा था कि मुझे झलक करना है, मुझे झलक जीतना है। और 3-4 साल के बाद मुझे झलक का ऑफ़र आया, और उस वक्त मैं पुनर्विवाह कर रहा था, और झलक में मैं कूद पड़ा, और आप सभी जानते हो कि झलक में मैं विनर रहा, झलक दिखला जा मैं जीत गया, और जो मेरा एक सपना था कि मुझे झलक जीतना है वो पूरा हो गया। जिंदगी के इस उतार चढ़ाव में गुरमीत के दोस्तों ने हमेशा उनका साथ दिया, और गुरमीत उनकी अहमियत अच्छी तरह जानते हैं। ये मेरा फेवरेट है, मेरे स्कूल की वो कुछ यादें, मेरे दोस्त जिनके बारे में मुझे बताना है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि लास्ट जो पोस्टिंग मेरी डैड की रही वो थी जबलपुर एमपी में, वहाँ पे स्कूल में मेरे बहुत दो प्रिय दोस्त बने, एक का नाम था जावेद हुसैन लश्कर और दूसरे का नाम था अनुज राणा। ये दोनों भी इनके पिताजी भी डैड आर्मी में थे, और ये दोनों मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड बने। तो आई थिंक वो जो हम तीनों की जो तिगड़ी थी वो कमाल की थी। थैंक यू सो मच इन दोनों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया एक्टर बनने के लिए। छोटे पर्दे पर अपनी छाप छोड़ने के बाद अब गुरमीत बड़े पर्दे पर नजर आ रहे हैं। सो आई वॉज वेरी श्योर कि जिस दिन मुझे एक बड़े बैनर का ऑफर होगा, बड़े स्टूडियो का ऑफर होगा, तो मैं वो फिल्म ज़रूर करूँगा, क्योंकि वो फिल्म रिलीज़ होगी जो मेहनत हम इतना करते हैं। और ऐसा ही हुआ, कुछ सालों तक टीवी में काम करने के बाद मुझे विशेष फिल्म फॉक्स स्टार के वहाँ से ऑफ़र आ गया खामोशियाँ के लिए, और वहाँ से 2015 में मेरी फिल्म खामोशियाँ रिलीज़ हुई, और वहाँ से मेरी फिल्म की जर्नी स्टार्ट हुई, और उसके बाद
3-4 साल हो गए फिल्म के बाद, खामोशा के बाद मैंने वजह तुम हो की, लाली की शादी की, पलटन किया, अगेन मुझे मौका मिला एक फौजी का किरदार निभाने का जो कि मेरे बहुत दिल के करीब है। और ये फिल्म पलटन मैं अपने खुशी से मैं बोल सकता हूँ कि गर्व से बोल सकता हूँ कि मेरे डैड के लिए था, क्योंकि डैड मेरे फौज में थे और वो मुझे चाहते थे कि अगर ये हीरो नहीं बने तो नहीं बनेगा तो कम से कम एक फौजी ज़रूर बनेगा। तो मैं फिल्मों में फौजी बन के मैंने उनको दिखाया और जेपी दत्ता के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। उसके बाद मैं अभी द वाइफ की शूटिंग कर रहा हूँ। तो ये थी मेरी छोटी सी जर्नी टीवी से फिल्मों तक की। कठिनाइयों से लड़कर, अपनी ही गलतियों से सीखकर, अपने ही गुरु बने हैं गुरमीत। आपके गुरु आप खुद हो, मेरा ऐसा मानना है। आप अपने आप से बहुत कुछ सीख सकते हो, अपने फेलियर से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। आप समझ सकते हो कि आप कहाँ फेल हो रहे हो, उसको आपको करेक्ट करना है। आप अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीख सकते हो। आपको अपनी ये जो ज़िंदगी है वो आपको बहुत कुछ सिखाती है, उसको आपको पॉजिटिवली लेना है। जो आप गलतियाँ करते हो, जो आप अगर आप फेल होते हो, उससे आपको सीखना है। ज़िंदगी में आप सीखते सीखते ही आगे बढ़ते हो। तो मेरी ज़िंदगी का और मेरी लाइफ का गुरु, मुझे लगता है मैं अपनी गलतियों से अपने आप से बहुत कुछ सीखता हूँ। मेरे गुरु मैं खुद हूँ। अपनी मेहनत के साथ गुरमीत आज एक बड़ी ऊंचाई पर पहुँचे हैं और उनके 16 सालों के सफ़र में सास बहू और साजिश भी उनके साथ शामिल रहा है। मुंबई से निशा मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।